और ये जो पहला जो हम निकल रहे समस्तीपुर या हर जिले हम जाएंगे बिहार का दौरा करेंगे, ठीक है, कौन कीड़ा टिप्पा टिप्पणी करता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको अपनी जनता से लेना देना है। हाँ, तो ये लोग तो विरोधी लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। और जब तक आप देखिएगा ये लोग बड़े चतुराई से जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, तो जाहिर होता है ना कि भाई ये लोग पूरी तरीके से आरएसएस बीजेपी के लोग जो है आरक्षण विरोधी लोग हैं। जनता के बीच जब जाइए ना तो अच्छा ही होता है, बुरा क्या होता है। विरोधियों को धूल चटाने की मंशा ले ली है तेजस्वी यादव ने। जी हां, बता दें कि उन्होंने ये संकल्प लिया है कि विरोधियों को धूल चटाएंगे। साथ ही बता दें कि जब विपक्ष पर उन्होंने बात की तो किस तरीके से कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए वो देखिए। और इसके बाद ये भी कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग तो आग उगलते रहते हैं, लेकिन इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तेजस्वी यादव ने और क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। 17 साल में कौन कीड़ा टिप्पा टिप्पणी करता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको अपनी जनता से लेना देना है। और ये जो पहला जो हम निकल रहे समस्तीपुर या हर जिले हम जाएंगे बिहार का दौरा करेंगे, तो पहला जो है कार्यकर्ता संवाद है, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो है पब्लिक के बीच में पब्लिक के साथ एक राउंड और बिहार में हम लोग घूमने का काम करेंगे, चाहे पब्लिक मीटिंग हो या पदयात्रा हो, वो अलग नवंबर और दिसंबर के माह में होगा। अभी का जो यात्रा है वो तो पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के कैडर जो है उन सब लोगों से संवाद करने। लालू जी ने आज कार संसद कहा कि आरएसएस भाजपा को कान पकड़ के बोले। हाँ, तो ये लोग तो विरोधी लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। और जब तक आप देखिएगा ये लोग बड़े चतुराई से जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे एकल पद वाला मामला हो, लेटरल एंट्री वाला मामला हो, या क्रीमी लेयर का एस सी एस टी का बात हो, लगातार इस तरह की बातें आ रही है, तो जाहिर होता है ना कि भाई ये लोग पूरी तरीके से आरएसएस बीजेपी के लोग जो है आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग कास्ट सेंसस विरोधी लोग हैं, ये लोग गैर बराबरी जो समाज में है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से लोगों को जो लालू जी ने कहा ठीक है। सर, जो व्यक्तिगत हमले प्रशांत किशोर आप कर रहे हैं, जिनके माता पिता 15 साल तक छोटे छोटे व्यक्तिगत हमले, कितना लोग है लाइन में लगा हुआ, हमला करने वाला हमला करता रहता है, कुछ होता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भादो महीना में निकल रहे हैं यात्रा पर, सारा काम अशुभ करते हैं। जनता के बीच जब जाइए ना तो अच्छा ही होता है, बुरा क्या होता है। घर से निकलना बंद कर देंगे क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष? पार्टी दफ्तर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जरा उनसे पूछिएगा। बंगाल में सर बेचैनी है क्या? जो विरोधी है आपकी यात्रा से काफी बेचैन दिखना, चाहे वो जेडीयू हो भाजपा हो। इन लोगों को कोई जनता से मतलब ही नहीं है, तो जो जनता के बीच जा रहा है उससे लोगों तक। नीतीश कुमार इन दिनों पास किया गया रेप को लेकर, बंगाल को रेप को लेकर आज कानून पेश किया गया है। आप देखिए, ये आज हम देखे विजय चौधरी जी ने आज शेड्यूल 9 पे जो है आज टिप्पणी की है, बोल रहे हैं क्या विजय चौधरी जी कि भाई जो कानून ही खत्म हो गया उसको शेड्यूल 9 में कैसे डालें? अब ये कानून कब पारित हुआ, हम लोगों ने कब रिकमेंडेशन जो है भारत सरकार को भेजा? कई महीनों तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कोर्ट में तो मामला 2-3 महीना पहले का है ना, उससे पहले का तो था नहीं। और ये डबल इंजन की सरकार जो है 8वां महीना चल रहा है, ये 6-7 महीना कर क्या रहे थे फिर? सवाल तो ये है ना कि भाई अब नीतीश कुमार जी भी, जनता दल यूनाइटेड के लोग, और विजय चौधरी जैसा बयान दे रहे तो साफ आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। ये तो आरएसएस का भाषा है, उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। आपको भी पता होगा नगर निकाय वाला जो मेयर वाला जो चल रहा था, जो आरक्षण का मामला जब हम मंत्री थे, अति पिछड़ा वाला नहीं हो पा रहा था, निरस्त कर दिया गया था, सब कुछ हो गया था, तो हम जा करके कोर्ट लड़े ना, जिताए ना भाई, कैसे जिता दिए? तो ये क्यों नहीं हो सकता? सीएम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? सीएम क्यों खामोश है? क्या कीजिएगा आप, अब संगत का असर है। हमारे साथ थे तो जाति जनगणना कराए, आरक्षण बढ़ाए हम लोगों ने, भाजपा में गए हैं, आरएसएस में गए हैं, तो वहाँ का असर पड़ गया है। आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं चुप्पी साधे हुए, क्रीमी लेयर पे नहीं बोलते, लेटरल एंट्री पे नहीं बोलते, साबित सर बंगाल में। ठीक है, थैंक यू।